बाजी काकू मेरे को जिद करके मटन खिला रहे हैं। खा लो ये मटन बहुत टेस्टी होता है। भाई कल हम तिलक नगर की सड़कों पे गेड़िया मार रहे थे, इतने में हमें दिखी है भुवन मैम की फूड स्टॉल। ये मैंचू है यार, ये सुनने में तो गाली ही लग रही है, लेकिन मेन्यू पे क्लियरली मेंशन है कि गाली नहीं कैफे है। कहने को ये 1000% वेज है, तो मुझे लगा मेरे मजे हो गए और काकू को कुछ खाने को नहीं मिलेगा। पर जब मेन्यू देखा तो उसमें आधी आइटम नॉन वेज की भी थी। तो मोटू को ये वेज वाला नॉन वेज ट्राई कराने के लिए मैंने ऑर्डर की पॉप स्टिक और मटन स्टिक। मेन्यू के साथ भैया की कार्ट की स्क्रीन पे भी बहुत सारे बेंचो फूड आइटम्स डिस्प्ले में थे। तो ये थी रेडीमेड पॉप स्टिक्स एंड मटन स्टिक्स, जिन्हें भैया ने डायरेक्टली डीप फ्राई कर दिया, फिर ऊपर से डाला बहुत सारा मसाला में। और ये था हम वेजिटेरियंस का सोया चाप से बना हुआ नॉन वेज खाना। बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन मुझे इसका टेस्ट बस 30% नॉन वेज जैसा लगा, बट हाँ इसकी टेस्ट एंड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी थी। मुझे लगा वेज खा के फर्स्ट टाइम मटन का एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन काकू ने बताया कि रियल मटन इससे काफी डिफरेंट है। वैसे मुझे मटन से ज्यादा अच्छी है पॉप स्टिक लगी, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट थी और इसके अंदर का टेक्सचर भी बिल्कुल नॉन वेज जैसा ही लग रहा था। वैसे आपको ये अतरंगी कैफे कैसा लगा कमेंट्स करके बताना। चलो बाय।